अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज़ डे 62। और जैसे कि हम सब जानते हैं मैंने एमफिल स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरी जो है ना वो आज सेकंड वीक है और ये सब लोग मुझे ऐसे छोड़ने जा रहे हैं जैसे मैं किसी महाज पे जा रही हूँ। नहीं, वैसे रीज़न ये थी कि चलो संडे का दिन है, सुबह सुबह निकलना है तो सब लोग निकल रहे थे, इस वजह से ये सब ना मुझे छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ना यूनिवर्सिटी से रात को आई हूँ और नींद के अंदर ही मेरा दिन गुजर गया और अगेन मैं यूनिवर्सिटी आ गई हूँ। आगे आगे जा रही है रेहाना और पीछे पीछे हूँ मैं। डोंट वरी, तुम्हारा फेस नहीं नज़र आ रहा। और तकरीबन 1:30 बज चुका है लेकिन हमारी टोटली एंड हो गई है। एंड मतलब कि ना इस टाइम तक ना बस हो जाती है, मगर पूरे हफ्ते की कसर आज ही निकलनी होती है तो बस वो कसर ही निकलती है सारी हमारी। डिपार्टमेंट और इसका जो है ना मतलब रूफ है जहाँ पर हमें जो है वो वॉशिंग की फैसिलिटी है। और अभी आपने देखा वहाँ अंकल भी बैठे हुए थे जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। वैसे ये जो भी थे ना इन्होंने बिल्कुल सही था, कहा था कि कोई एक सियापा ही, इतने बहुत सियापे हैं, मतलब वाकई ये सच होता है। लाइफ हमारी सियापों से बनी हुई है सारी। अभी दिन के लिए हम लोग गए थे शॉर्ट क्लास के से, बट अब हम वापस जा रहे हैं लॉन्ग से क्लास के अंदर। हमारे फेवरेट टीचर क्लास है, तुम फिर प्राइस पर जा रही हो, तुम्हें टेस्ट में जाना चाहिए। तुम्हारी साइड क्यों जा रही हो? हमें रिसेंटली ना सर ने इंस्पायर किया कि आप लोग भी मसाले किड्स बने, लेकिन कब बनेंगे? 25 के तो हो चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। मेरा मसाले किड कब बनना है? 75 में बिल्कुल। फिर तो आपने सारी क्या सॉरी बनी। A few hours later. Yes, जी, फिर अब मेरा फेवरेट सेक्शन ऑफ द डे, खाना पीना और मैं, और कुछ नहीं। आज जो है ना हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कैंटीन से कुछ ऐसा खाया जाए जो कि टोटली हेल्दी हो, एंड वो था सिर्फ सालन और रोटी, जो कि वो डायरेक्ट बनाते भी हैं वहाँ पे और देते भी हैं। लेकिन सालन मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इन्होंने ना मतलब कि ना क्विक प्रोसेस से इसको बनाया हुआ था। जैसे होता है ना कि आप कुकर के अंदर सब कुछ डाल के प्रेशर लगा देते हो और सालन बन जाता है, तो उसके अंदर ना चीज़ें एक तो अच्छे से गली नहीं होती और कुछ टेस्ट जो था ना स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगा। और जो था कुकम्बर और एप्पल जो है वो मैं खुद लेके आई थी। Rihanna, we are so excited today. Allah ka dena aur mind aise glow ho raha hai ki samajh nahi aa raha hai. हमारे पास एक टास्क दिया गया था जो हम लोगों ने क्लास में बैठ के ही करना था, सो वी डिड इट एंड हमने वो सबसे पहले किया। तो सर ने जो है ना वो हमें कहा कि आप पीछे जाके भी समझाएं रिहाना को स्पेशली, कहा बिकॉज रिहाना ने उसको मुझसे ज्यादा अच्छा किया था। सो वेल डन रिहाना, और मजा ही आ गया आज तो वैसे। खैर, और ये है जी मस्जिद ब्लॉक, जिसके अंदर जो है वो लेडीज की साइड पे और जेंट्स की दूसरी साइड पे जो है ना वो मस्जिद है। सब लोग यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, जिनको थोड़ी देर बैठ के आराम करना है वो भी कर लें। रिहाना भी गई है नमाज पढ़ने, मैं भी उसका वेट करूंगी, फिर जो है वो हम लोग जाएंगे घर। और जी मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैं आई थी तकरीबन 75 तो होते ही नहीं है मिनट्स। 4:50 पे मैं घर आ चुकी थी, ठीक है। अभी 5 बज रहे हैं और ये सारे कपड़े जो कि अभी रिसेंटली धोए हैं इन्होंने और ये मेरे बेड पे खिलाड़ डाल दिया है क्योंकि उठाने तो मैंने हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कपड़ों को उठाऊंगी या कपड़ों ने मुझे उठाना, क्योंकि मेरी कोई हिम्मत नहीं है उठने की। मैं भी लेट के जो है ना वो ये खा रही हूँ, हफ्ते मैं अपने लिए लेके आई थी, तो सबको पता चल के आ चुकी है। तो एक अच्छा स्नैक होता है बजाय इसके कि आप कुछ गलत अच्छा लगता है, तो एक अच्छा स्नैक होता है। वैसे भी आज आपने पूरा देखा था कि मैंने जो है वो रोटी खाई, पहले सुबह में खाई थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद कॉलेज गई हूँ यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी एक रोटी खाई और आधी रोटी मैंने खाई थी सुबह में, तब तक डेढ़ रोटी खा चुकी थी, रोटी वगैरह तो मैंने खाई नहीं थी। तो मुझे भूख लगी, मैंने सोचा क्यों ना ये खाई जाएंगे इनके मुँह की, तो बस अभी मैं ये ना हजम करके आती हूँ। और मम्मा बना रही है यहाँ पे चावल, तो इसलिए मैंने सोचा है कि रात को ये चावल खा के सोना है। मूंगफली तो मैं खा चुकी हूँ, अभी बन रहे हैं चावल खाएंगे हम लोग। हालांकि चावल हेल्दी नहीं होते लेकिन कोई नहीं, कह रहे हैं संडे वाले दिन तो खा सकते हैं ना मम्मा, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया। फिर भी आप बना रही हैं, आप बना रही हैं फिर भी मन ले जो बन दे इमरान खान जल्द से।
अब मेरा आज का मैच गुजर गया था क्लास के अंदर, वैसे अपडेट मिलती रही थी कि ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन कसम से यकीन ही नहीं हो रहा हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। किसने पहुंचा दिया इनको सेमीफाइनल में? बट पार्ट ऑफ जो है वो सारा मजाक शजाक, वेल डन पाकिस्तान टीम। इसी के साथ दिल न्यूजीलैंड, थैंक यू सो मच भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन कदमों को जो है वो कान से पकड़ के सेमीफाइनल में छोड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। खैर पूरा हफ्ता मैं कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ तो मेरा पहली साइड जो है ना वो पहले से बाहर आ जाता है, जैसे उसको पहले शौक होता है कि कुछ करे और मैं बाहर आ जाऊँ। खैर ये था जी आज का दिन रूटीन एंड ऑल थिंग, सो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।